दिवाली रिलेटेड वर्ड्स एंड सेंटेंसेस दिवाली दिवाली को हम इंग्लिश में बोलते हैं फेस्टिवल ऑफ़ लाइट्स आरती आरती को हम बोलते हैं बेनेडिक्शन और प्रेयर बेनेडिक्शन और प्रेयर इसका आप सेंटेंस बोल सकते हैं लेट्स टू दिवालीज बेनेडिक्शन और प्रेयर और इट्स टाइम टू डू द बेनेडिक्शन और प्रेयर मतलब पूजा करने का टाइम हो गया है स्वास्तिक स्वास्तिक को हम इंग्लिश में बोलते हैं सिंबल ऑफ डिविनिटी एंड एंड स्पिरिचुअलिटी आप ऐसे सेंटेंस बोल सकते हैं मेक अ स्वास्तिक ऑन द ब्रास पॉट मतलब कलश पर स्वास्तिक बना दो कलश कलश को इंग्लिश में बोलते हैं ब्रास पॉट और पिचर मोली मोली को इंग्लिश में बोलते हैं सैक्रेड थ्रेड सैक्रेड थ्रेड सेंटेंस आप बोल सकते हैं टाई द सेक्रेड थ्रेड अराउंड एवरीबडीज रिस्ट मतलब सबकी कलाई पे मोली बांध दो ओके नेक्स्ट इज दिया, दिये को इंग्लिश हम बोलते हैं क्ले लैम्प और अर्थन लैम्प क्ले लैम्प और अर्थन लैम्प इसका सेंटेंस बोल सकते हैं लाइट ऑल द क्ले लैंप्स एंड पुट देम इन अ रो ऑन द वॉल मतलब सारे दिए जला दो और दीवार पे कतार में रख दो दिए की लॉ इस इंग्लिश हम बोलते हैं फ्लेम फ्लेम फुलझड़ी फुलझड़ी को इंग्लिश में बोलते हैं स्पाकलर स्पाकलर अनार बम को इंग्लिश में बोलते हैं

जमीन चक्री जमीन चक्री को हम इंग्लिश में बोलते हैं ग्राउंड स्पिनर ग्राउंड स्पिनर नेक्स्ट इज टिकड़ी टिकड़ी को इंग्लिश में हम बोलते हैं रोल कैप्स रोल कैप्स नेक्स्ट इज टिकड़ी जिस बंदूक में लगती है उस बंदूक को हम बोलते हैं टॉय गन या फिर टॉय कैप गन ओके नेक्स्ट इज पटाखों की लड़ी को इंग्लिश में बोलते हैं चेन ऑफ फायर क्रैकर्स चेन ऑफ फायर क्रैकर्स अग्निबाण अग्निबाण को इंग्लिश में बोलते हैं रॉकेट क्रैकर्स रॉकेट क्रैकर्स नेक्स्ट इज कपूर कपूर की गोली को इंग्लिश में बोलते हैं कैम्फर बॉल कैम्फर बॉल्स नेक्स्ट इज रुई की बाती इसे इंग्लिश में बोलते हैं राउंड कॉटन विक या फिर लॉन्ग कॉटन विक ये दो तरह की शेप की तरह की तो राउंड होती है एक लॉन्ग होती है तो कॉटन विक अगरबत्ती अगरबत्ती को इंग्लिश में बोलते हैं इंसेंस स्टिक इंसेंस स्टिक हवन हवन को इंग्लिश में बोलते हैं होली रिचुअल होली रिचुअल नेक्स्ट इज प्रसाद प्रसाद को इंग्लिश में बोलते हैं ऑफरिंग्स या फिर ऑफरेटरी प्रसाद चढ़ाना इज ऑफर द ऑफरिंग्स नेक्स्ट इज कुमकुम कुमकुम को इंग्लिश में या तो कुमकुम बोल दीजिए या फिर रेड टर्मरिक पाउडर रेड टर्मरिक पाउडर रंगोली बनाने को इंग्लिश में बोलते हैं मेक रंगोली मेक रंगोली कलरफुल सैंड डिज़ाइन भी बोल सकते हैं आप इसे आशीर्वाद लेना टेक ब्लैसिंग्स फ्रॉम एल्डर्स टेक ब्लैसिंग्स फ्रॉम एल्डर्स नेक्स्ट इज मूर्ति मूर्ति को इंग्लिश में बोलते हैं स्टैचू और आइडल स्टैचू और आइडल चंदन की लकड़ी को इंग्लिश में बोलते हैं सैंडलवुड सैंडलवुड नेक्स्ट इज भीड़ भाड़ जो दिवाली के टाइम पे होती है उसे हम बोलते हैं इंग्लिश में हसल एंड बसल हसल एंड बसल माचिस की डिब्बी को इंग्लिश में बोलते हैं मैच बॉक्स और जो तीली होती है उसको बोलते है, match stick. Match stick, box, हैं स्टिक मैच स्टिक तीली मैच बॉक्स माचिस की डिब्बी ओके मीठी सौफ इसे इंग्लिश में बोलते हैं फैनल कैंडी फैनल कैंडी आपने खाई होगी दिवाली के टाइम पे अक्सर लोग सर्व करते हैं खील ये दो तरह के होते हैं इस तरह की जो होती है उसको हम बोलते हैं पॉप्ड राइस क्या बोलते हैं पॉप्ड राइस और जो दूसरी तरह की खील होती है जो फूली फूली दिखती है उसे हम बोलते हैं इंग्लिश में पफ्ड राइस पफ राइस ये अक्सर प्रसाद में रखी जाती है होप दिवाली की वो कैबलरी आपको अच्छी लगी एंड थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग हैप्पी दिवाली